गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार। मैं हूं अरविंद गोस्वामी। समस्या 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 समस्या, बाप रे कितनी सारी समस्याएं हैं। समस्या दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। मुझे याद आता है जब मैं छोटा था तो मेरी माँ बीमार पड़ गई। रात का 12-1 बज रहा होगा या 2 बज रहा होगा। पिताजी साइकिल से बहुत दूर डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को समाचार दिया कि मेरी पत्नी बीमार है। डॉक्टर ने कहा कि आप तुरंत घर जाइए, मैं आ रहा हूँ। और उतनी रात को 12-1 बजे 2 बजे रात को पिताजी घर पहुँचने से पहले ही डॉक्टर पहुँच गया, क्योंकि डॉक्टर के पास गाड़ी था। क्या ज़माना था। डॉक्टर आया, मम्मी का इलाज किया, दवाई दिया। बहुत बड़ी इंसानियत थी एक ज़माने में जब मैं छोटा था। और आज का समय, रात का तो बात दूर, दिन में भी किसी का तबीयत ख़राब होता है तो पास में ही डॉक्टर होते हैं, ज़्यादा दूर नहीं होते। और आज जंगल सुनसान बहुत कम है। आज बहुत सारे घर, बहुत सारे पॉपुलेशन, तो भी डॉक्टर कहते हैं कि समय नहीं है, मेरे क्लिनिक में आ जाइएगा। पैसों की बात आ जाती है। उस ज़माने में पैसे भी नहीं लेते थे। पिताजी ने कहा कितना देना पड़े, आपको जो इच्छा उतना दे दो। पिताजी ने 5 रुपया या 10 रुपया निकाल कर दिया, वो खुश होकर चला गया। लेकिन आज 100 रुपया भी दें तो भी डॉक्टर शायद खुश ना हो पाए। एक दो डॉक्टरों को छोड़कर या 2-3 डॉक्टरों को छोड़कर बिल्कुल निर्दयी अवस्था है। दोस्तों, किसी को दोष ना दें, ना डॉक्टरों को, ना माता पिता को, ना दोस्तों को, ना आसपास के माहौल को। किसी को भी दोष नहीं देना है। दोषी कौन है जानते हो? दोषी समय है। महाकलयुग चल रहा है। आज इस महाकलयुग को संगम युग भी कहा गया है। और 15 साल सब कुछ अच्छा होगा। बुराई का अंत है। चारों तरफ बुराई ही बुराई, समस्याएं समस्याएं, सभी समस्याओं से घिर चुके हैं। डॉक्टरों की संख्या बढ़ रही है, रोगियों की संख्या भी बढ़ रही है, वकीलों की संख्या बढ़ रही है और झगड़े भी बढ़ रहे हैं। कोई सुख चैन से नहीं है। इंसानियत बिल्कुल मर चुका है, मानवता बिल्कुल मर चुका है। और ईश्वर आ चुके हैं उस मानवता को, इंसानियत को जगाने के लिए। खुद को आत्मा सोचें और परमात्मा को याद करें। भगवान आ चुके हैं। हम सब एक ईश्वर के बच्चे हैं। हम सब एक ईश्वर के बच्चे हैं। प्यार से रहें, मिलजुल कर रहें, एक दूसरे के काम आए। पैसों को अहमियत ज़्यादा ना दें। अपने विचार, अपने प्यार को अहमियत दें, एक दूसरे के काम आ सकें। और क्या कहूँ। अपना ख्याल रखिए, बहुत सावधान रहिए, बहुत सावधान रहिए। आज पीछे वार बहुत होता है, बातों का या हथियारों का, कुछ भी। कौन अपना है, कौन पराया है, पहचानना बहुत मुश्किल है। कब कौन धोखा दे दे, फिर भी हमें किसी को दोष नहीं देना है। कार्मिक अकाउंट है, सबका अपना अपना हिसाब किताब चल रहा है। किसी से बुरा नहीं बनना है। कोई आपके साथ बुरा करता है तो वो हिसाब किताब है। बस नम्र हो जाइए, सॉरी कह दीजिए, क्षमा मांग लीजिए, क्षमा कर दीजिए। और इसके लिए खुद को ताकतवर बनाना होगा। जिम जाकर नहीं, एक्सरसाइज करके नहीं, व्यायाम करके नहीं, ताकतवर बनना है योग करके, भगवान से जुड़कर, भगवान को याद करके। परमपिता परमात्मा शिव आ चुके हैं और उनको याद करना है, उस अदृश्य शक्ति को जिन्हें हम अल्लाह भी कहते हैं, खुदा भी कहते हैं, रब भी कहते हैं, गॉड भी कहते हैं, अनेक नामों से उन्हें जाना जाता है। वी आर चिल्ड्रेन ऑफ गॉड। हम एक अल्लाह के बच्चे हैं, एक खुदा के बच्चे हैं। इंसान बने ताकि इंसानियत जागृत हो। मैं एक आत्मा हूँ, आप सभी आत्माएं हैं,
हम सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं। ओम शांति।